का गठन भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु किया गया है। कंपनी द्वारा परियोजना का कार्य आरंभ किया जा रहा है। इंदौर भारत के शीर्ष 5 सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है, जहां तकरीबन 30 लाख से अधिक आबादी निवास करती है। शहरी परिवहन को आरामदायक और सुचारू बनाने के लिए इंदौर मेट्रो के प्रथम चरण में एक लूप कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 31.55 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर इंदौर एयरपोर्ट से शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा, रेलवे स्टेशन पलासिया, विजयनगर एवं नव विकसित सुपर कॉरिडोर को जोड़ेगा। इस लूप कॉरिडोर में शहर के मुख्य स्थानों के आधार पर कुल 29 मेट्रो स्टेशन का विकास किया जा रहा है। ये मेट्रो कॉरिडोर भूमिगत और एलिवेटेड रहेगा, जिसमें मेट्रो रेल लगभग 7.11 किलोमीटर भूमिगत और तकरीबन 24.44 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर पर चलेगी। मेट्रो रेल कॉरिडोर के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को नई दिशा मिलेगी। यह योजना टीओडी सिद्धांतों का परिपालन और नागरिकों के घर एवं कार्य क्षेत्र में दूरी कम करने में सहायक सिद्ध होगी, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होकर प्रदूषण और यातायात की समस्या से भी निजात मिलेगी। मेट्रो रेल परियोजना में अत्याधुनिक स्टेशन, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, लिफ्ट, एस्केलेटर के निर्माण तथा आपूर्ति के साथ संचालन और रखरखाव को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। मेट्रो स्टेशन समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं, जिससे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में कोई समस्या न आए। इंदौर मेट्रो रेल के प्रायोरिटी सेक्शन का संचालन दिसंबर 2022 तक शुरू हो जाएगा, जिससे लगभग 5.5 लाख यात्री रोजाना सुखद सफर का आनंद उठाएंगे। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 7,500.80 करोड़ रुपए है। मेट्रो रेल परियोजना इंदौर में मौजूदा बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और स्टैंडर्ड बस सेवाओं के साथ एकीकृत रूप में नागरिकों को आकर्षक, उच्च गुणवत्ता वाले तेज, आरामदायक व भरोसेमंद प्रभावी शहरी परिवहन तंत्र प्रदान करेगा, जो शहरी जीवन शैली में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव लाएगा।